Now I can able to relate all the things because कुछ दिन पहले मैंने विप्रो में जॉब छोड़ा. After that, actually I want to direct a movie और मैं स्टोरी लिखता हूँ. तो उसके लिए कुछ फाइनेंस ऑब्वियसली चाहिए. And I don't take any support from my parents. I want to do it by my own. तो कुछ दिन पहले मैंने दोस्तों से सजेस्ट पूछा कि क्या करना चाहिए. तो उन्होंने बोला फ्रीलांसर किया. मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा एक जो इथन करके एक बंदा था, क्लाइंट था, उसके ऊपर 15-16 ऑलरेडी बिड हो चुके थे. बट मैंने देखा कि ये मेरे जोन का वर्क है. तो मैं उस पर कंटिन्यू फॉलोअप करते रहा. विद इन 4 to 5 days मैंने देखा कि उधर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट स्टिल आई सेंड हिम योर मेल ऑन रेगुलर बेसिस. उसके बाद फिर एक दिन उसका रिप्लाई आया. तो यस, आई कैन रिलेट दैट आई हैव यूज्ड द स्टेटमेंट नॉट ए क्वेश्चन. आई टोल्ड हिम सर आई रियली वैल्यू योर टाइम एंड वर्क. बिकॉज वो चाहता था कि दो दिन में उसके 40 वेबसाइट्स थे, उसके कुछ कंटेंट उनको अपलोड करने थे. एंड आफ्टर दैट जो वो कर देता उसके बाद वो 176 उसके ऑलरेडी जो वेबसाइट थे वो उनको आगे का प्रोजेक्ट देने वाला था. बट एक्चुअली आई हैव टू पब्लिश माई बुक. सो मैंने उनसे फिर एक हेल्दी कन्वर्सेशन हुआ एंड ही कमिटेड मी एक्चुअली दैट ओके नो इश्यू दिस टाइम यू हैव नॉट गॉट दिस वर्क बट नेक्स्ट टाइम इफ आई हैव दिस सेम काइंड ऑफ वर्क आई डेफिनेटली रीच आउट टू यू. राइट, सो इट ऑल कम्स डाउन टू योर follow up, right? Makes sense? Good. But before we end, right, one more thing, because we might put this video on YouTube also, our conversation. ये वाला मैसेज मैं सिर्फ आपको नहीं सारे स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ. ये मत सोचो कि आपको आपके पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने हैं या आप आपके पेरेंट्स से पैसे ले रहे हो तो कोई गलती कर रहे हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. There was a time when we did not have the money. कई लोग क्या करते हैं, पापा मम्मी से पैसे नहीं लेने, बाहर कहीं से मिलता नहीं है, वो पैसा कहीं पे इंटरेस्ट पे लेकर आ जाते हैं रोज के 2% के ऊपर. I don't know whether you are doing that or not, but maybe some students can do that. जिनको नहीं पता हो, सोचो ना यार, अगर किसी ने वो कर लिया, पापा मम्मी से पैसे नहीं लेने की जगह किसी गलत जगह से पैसा ले लिया, उसकी तो लाइफ ही खत्म हो गई ना उस समय पे. एंड आप कोई गलत काम के लिए तो पैसे नहीं ले रहे हो ना अपने पेरेंट्स से. आई थिंक यू शुड थिंक ऑन अनदर लाइन. आप अभी मम्मी पापा से पैसे लो, पैसे तो कमा के ही करोगे ना, डालोगे अभी पैसे लेके काम शुरू कर दो और बाद में उनके पैसे लौटा दो. हर कोई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट यू, हम लोग बाकी सब चीजों में तो बहुत ज्यादा पापा मम्मी के पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ आता है तब हम बहुत खुददार बन जाते हैं. नहीं, मेरे को अपने पापा मम्मी से पैसे नहीं लेने. क्यों भाई, आज तक आपने पढ़ाई भी उन्हीं के पैसों पे करी है, सब कुछ करा है. जब 10 लाख रुपए लगा सकते हो तो 50,000 रुपए और ले लो और बाद में पूरे कमा के दे दो. सो ये बहुत गलत माइंडसेट है. एंड वी वांट दिस वीडियो दैट वी पुट इट ऑनलाइन ऑल्सो, बी रेडी है. आप कोई गलत चीज के लिए थोड़ी ना पैसे ले रहे हो. एंड आफ्टर दैट दैट शुड बी द राइट अप्रोच, राइट? व्हाई डू वी टेक लोन फॉर बिजनेस? कि मैं अभी पैसे लेता हूँ, कमा के चुका दूंगा. अगर वो चीज आपके पेरेंट्स इतने इंडिविजुअली केपेबल हैं, व्हाई डू यू नीड टू गो समवेयर एल्स? व्हाई डू यू वांट टू प्रोलॉन्ग योर जर्नी? अच्छा है, मेहनत होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए बॉस, लेकिन अगर वो चीज हो सकती है उसके बिना तो वैसे करना चाहिए. इट्स अ मैसेज फॉर एवरी स्टूडेंट, एवरीबॉडी हू इज ओवर हियर. ओके, थैंक यू.